अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद इजी मार्केटिंग। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैरिया अपार्टमेंट्स और बैरिया हाइट्स के हवाले से। इन दोनों की तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। सबसे पहले बता देता हूं बैरिया अपार्टमेंट्स के हवाले से कि वहाँ पर आपको 2, 3 और 4 कमरों के अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे और अच्छे खासे तादाद के अंदर वहाँ पर टावर्स बनाए गए हैं। तकरीबन 24 टावर्स वहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें से 20 टावर्स जो हैं वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। और हर टावर के हवाले से बता दूँ कि हर टावर के अपना सेपरेट इंडिविजुअल पार्क वहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी बेहतर बैरिया अपार्टमेंट्स को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर नज़दीक में आपको काफ़ी बेहतर सुपरमार्केट्स मिल जाएंगी, कमर्शियल एरिया आपको नज़दीक में मिल जाएगा। उसके अलावा जिना एवेन्यू पर ही बना हुआ है और जैसे ही आप गेट से इंटर होते हैं वैसे ही आप बैरिया अपार्टमेंट्स को आप देख सकेंगे। करीब में ही है, गेट से बिल्कुल ही नज़दीकी बैरिया अपार्टमेंट्स हैं। जिना एवेन्यू, जैसे मैंने बताया, जिना एवेन्यू के ही ऊपर बने हुए हैं। उसके अलावा अगर एरिया की बात करें तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 900 स्क्वायर यार्ड के ऊपर बनाया हुआ है और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 2200 स्क्वायर फुट के ऊपर बना हुआ है और 4 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 2900 स्क्वायर फुट के ऊपर बना हुआ है। नाज़रीन, बैरिया हाइट्स पर बात करने से पहले आपको बताता चलूँ इजी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो बैरिया टाउन कराची के अंदर बनाए गए हैं। सबसे पहले बता दूँ कि मिडवे कमर्शियल के अंदर इजी बिल्डर्स पहले बिल्डर्स थे जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और कस्टमर्स को हैंडओवर किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ कि इजी बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, हम किसी और के प्रोजेक्ट्स को मार्केट नहीं कर रहे। बैरिया टाउन कराची के अंदर देखा जाता है कि लोग अक्सर दूसरों के प्रोजेक्ट्स को मार्केट करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा सिलसिला नहीं है, ये हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं। मिडवे के बाद हमारे जो अब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इजी टावर 1 और इजी टावर 2, लिबर्टी कमर्शियल के ऊपर इजी टावर 1 और 2 लाया गया है इजी बिल्डर्स की जानिब से। इजी टावर 1 की कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से जारी और सारी है और इजी टावर 2 की बुकिंग का जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ ही यूनिट्स हैं जो आपके मुंतजर हैं, जिनमें आप जब भी चाहें फ़ोन नंबर पर कॉल करके, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक फैसिलिटी और भी है, अगर आप मर्जिंग करवाना चाहते हैं अपने कैंसिल प्लॉट्स की तो वो चीज़ें भी यहाँ पर फैसिलिटेटेड आपको की जाएंगी। ये एक काफ़ी बेहतर फैसिलिटी है जो इसी बिल्डर्स की जानिब से दी जा रही है। आप जब चाहें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं बैरिया हाइट्स की। बैरिया हाइट्स की बात करते हुए सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन क्लियर कर दूं कि प्रीसेंट 8 के नज़दीक ही बैरिया हाइट्स मौजूद है और तकरीबन गेट से 8-8.5 किलोमीटर का फासला है जो आपको तय करना पड़ेगा बैरिया हाइट्स में जाने के लिए। 2 बेडरूम्स के आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे और तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स होंगे ये, और बड़े खूबसूरत से अपार्टमेंट हैं जिसमें इनर व्यू और आउटर व्यू दो तरह के अपार्टमेंट हैं। उसके बाद सेंट्रल में आपको जो है बड़ा बेहतरीन से और बड़ा खूबसूरत सा पार्क जो है बैरिया हाइट्स के मिल जाएगा। इसके अलावा पोजीशन यहाँ पर दिया जा चुका है, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर आप कोई बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट तहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।